फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप मेरा लास्ट वीडियो देखे हैं, जो मेरा चैप्टर 5 था। उसमें मैंने HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कशन किया था, जहाँ पे HTML में कोई भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर किस तरह कोई टेक्स्ट को फॉर्मेट किया जाता है, किस तरह इटैलिक किया जाता है, किस तरह उसको इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह उसको बोल्ड कर सकते हैं, किस तरह उसको हाईलाइट कर सकते हैं, और भी बहुत तरह का हमने उसमें चीज़ें डिस्कशन की है। आशा करता हूँ वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। ये मेरा चैप्टर 6 है। फ्रेंड्स, देखिए, बहुत समय हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर करते हैं तो हमें कभी कभी उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि मान लीजिए हमने कोई एक इमेज ऐड किया, एक फ़ोटो ऐड किया, हम चाहते हैं कि वो फ़ोटो क्या है। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पर ये जो एक फ़ोटो यहाँ पर दिख रहा है, मैं इसके ऊपर माउस लेके गया तो यहाँ पर दिख रहा है स्टॉक मार्केट कोर्स। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये जो फ़ोटो है इसके ऊपर लेके गया, दिखा रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग SSM। तो ये एक छोटा सा टूल टिप दिख रहा है। इस तरह हम कहीं पर भी लेके जाएंगे, यहाँ पर भी देखिए पे पार क्लिक PPC। थोड़ा सा नीचे तरफ अगर चलते हैं, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये ब्लॉगिंग कोर्स दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिर्फ इमेज के ऊपर ही नहीं, आप कोई टेक्स्ट के ऊपर भी लेके जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स, इस तरह की टूल टिप्स दिख रहा है। तो ये होता कैसे, ये होता है एट्रीब्यूट्स के काम। हर एक HTML एलिमेंट्स उसके अंदर हम लोग इस तरह की एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एट्रीब्यूट्स है क्या? एट्रीब्यूट्स बहुत ही सिंपल चीज़ है। कोई भी HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कोई भी HTML एलिमेंट्स के अंदर अगर हम कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे कि उसका टेक्स्ट बड़ा करना है, जैसे कि उसका इमेज का साइज छोटा बड़ा करना है, उसका वेट बढ़ाना है, या फिर हाइट बढ़ानी है, या फिर कम करनी है, या फिर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ हम लोग एट्रीब्यूट्स के माध्यम से कर सकते हैं। वेबसाइट में जो लिंक होता है, एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और दूसरी पेज में चले जाती है, तो वो भी होता है कि एट्रीब्यूट्स का ही काम है। एट्रीब्यूट्स ऐसा एक चीज़ है जो क्या करती, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है HTML डॉक्यूमेंट्स को। यानी जहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे वहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती रहती है। तो यही HTML एट्रीब्यूट्स के काम होती है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना पड़ेगा HTML एट्रीब्यूट्स जो लिखते हैं कहाँ पर लिखते हैं, वो हम लोग स्टार्ट टैग के अंदर लिखते हैं। ये मैं आपको इन डिटेल्स में दिखाऊंगा। तो चलिए, हम हमारा जो फोल्डर था पहले वीडियो में हमने बना के रखे थे, तो उसी फोल्डर में चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लोकल डिक्स ई में जाएंगे, ये मेरा फोल्डर है HTML, इसके ऊपर क्लिक करते ये जो पेज दिख रहा है माई फर्स्ट पेज, ये हमने बनाए थे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट विथ नोट पैड प्लस प्लस के द्वारा खुलते हैं इसको। तो ये हमारा जो HTML का कोड्स वगैरह जो चीज़ हमने लास्ट 5 वीडियो में सीखे हैं वही सब चीज़ यहाँ पर है, ये आपको पता ही है। और इसको ब्राउजर के थ्रू भी खुलते हैं, फिर फोल्डर में चलते हैं, माई फर्स्ट पेज के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, तो ये हो गया हमारा HTML ब्राउजर के थ्रू ये हमारा पेज। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा गैप है, इस गैप को हम लोग हटा लेते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने BR टैग सिखाया था। तो चलिए नोटपैड प्लस प्लस में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हमने कुछ BR टैग लिखे थे, तो ये मैं BR टैग को हटा देता हूँ, ये हट गया और मैं सेव कर लिया। ब्राउज़र में चलते हैं, अब देखिए ये BR टैग हट गया। और एक छोटा सा काम कर लेते हैं ताकि हम लोगों को सीखने में इजी हो, ये लाइन को ब्रेक कर लेते हैं, एंटर मार के हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तो इसमें HTML डॉक्यूमेंट्स का कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये भी ब्रेक कर लिया, नीचे का जो पैराग्राफ है उसको भी हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसमें डॉक्यूमेंट्स में जो व्यू हो रहा है उसका कोई चेंजेस नहीं होगा, एक ही पहले जैसा था वैसा ही दिखेगा। इसको सेव कर लेते हैं और वेब ब्राउज़र में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं,
तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी तरह की चेंजेस नहीं हो रही। अब मैं बताऊँ तो कि HTML एट्रीब्यूट्स किस तरह काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, HTML एट्रीब्यूट्स जो लिखा जाता है वो किसके अंदर लिखा जाता है, वो स्टार्ट टैग के अंदर लिखा जाता है। और कैसे लिखेंगे एट्रीब्यूट्स, हर टाइम एक नेम और एक वैल्यू के द्वारा आती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू, यानी नेम मतलब किस चीज़ का एट्रीब्यूट आप दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हाइट के एट्रीब्यूट दे रहा है तो नेम के जगह में हाइट होगा, और डबल कोटेशन के अंदर जो वैल्यू होती है वहाँ पर उसका वैल्यू होगा, मतलब कितनी हाइट देना चाहती है आप। तो इसी तरह हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए नीचे का जो पैराग्राफ है, ये वाला जो पैराग्राफ है, हम लोग यहाँ पर एक टाइटल ऐड करना चाहते हैं, यानी इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो हमें एक टूल टिप के अंदर वो टाइटल में जो नाम लिखने वाले हैं वो नाम यहाँ पर दिखेगा। अभी देखिए माउस लेके जा रहा है तो इसके ऊपर जो पैराग्राफ के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड करें। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है, तो चलिए नोटपैड प्लस प्लस में, तो ये हमारा सेकंड पैराग्राफ और ये हमारा स्टार्ट टैग है। तो ये स्टार्ट टैग के अंदर थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। मैं फिर से बताता हूँ, कोई भी एट्रीब्यूट्स अगर लिखने चाहते हैं आप, वो हर टाइम आपको स्टार्ट टैग के अंदर ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्ट टैग है और यहाँ पर देख लीजिए ये एंड टैग है, तो आप समझ सकते हैं। तो स्टार्ट टैग के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स लिखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर टाइटल एट्रीब्यूट्स लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग नेम लिखेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो नेम क्या है, यहाँ पर टाइटल, तो टाइटल लिख दिया, ये रेड कलर में आ गया। इसके बाद इक्वल साइन देने ही है, इक्वल साइन देने के बाद डबल कोटेशन, ये पर्पल कलर में आ जाती है। और इसके बीच में टाइटल में क्या शो करनी है वो हमें यहाँ पर लिखना है, यानी इसका वैल्यू हमें लिखना है। तो वैल्यू जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ कि दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, ये हमारा टाइटल हो गया। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव बटन में क्लिक करके। अब फ्रेंड्स चलिए चलते हैं हम लोग वेब ब्राउज़र में। तो ये हमारा वेब ब्राउज़र है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए मैंने रिफ्रेश कर लिया, और देखिए मैं सेकेंड पैराग्राफ के ऊपर माउस जैसे ही लेके आता हूँ, आप देख सकते हैं एक टूल टिप में दिख रहा है दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। कहीं पर भी लेके जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, वहाँ पर आपको दिखेगा दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। जैसे कि मैं एकदम स्टार्टिंग में लेके आता हूँ, देखिए थोड़ा सा वेट किया, दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, ये टूल टिप मेरे को दिख रहा है। ये देखिए, ये जो होता है कि एक बहुत अच्छा चीज़ होता है, ये काम की चीज़ होती है, क्योंकि जब हम बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं वो किस चीज़ के बारे में है, अगर इस तरह की हमने एक छोटा सा टाइटल ऐड कर दिया तो आप समझ सकते हैं कितनी समझने में आसान हो जाएगा जो ये पैराग्राफ है किस चीज़ के बारे में, जो भी आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उस पैराग्राफ के बारे में। तो आप इस तरह टाइटल के माध्यम से, टाइटल एट्रीब्यूट के माध्यम से आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ का कलर चेंज करूँ टेक्स्ट की। यहाँ पर टेक्स्ट डिफॉल्ट होता है कि ब्लैक कलर, तो मैं चाहता हूँ कि उसको रेड कलर में कन्वर्ट करूँ। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट्स लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टैग है पैराग्राफ की, और यहाँ पर आखिर में देखिए एंड टैग भी दिख रहा है। तो स्टार्ट टैग के अंदर हमें एट्रीब्यूट्स लिखनी है। तो कैसे लिखें, तो इसको थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए जो एट्रीब्यूट होती है वो हमें स्टाइल एट्रीब्यूट के माध्यम से हमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमने वहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ किया था, तो यहाँ पर हमें स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं STYLE स्टाइल, देखिए फिर से रेड कलर में आ गया। अब इसके बाद इक्वल साइन देना है, और डबल कोटेशन के अंदर हम क्या करना चाहते हैं वो हमें लिखना पड़ेगा। ये हो गया वैल्यू। तो वैल्यू में क्या चेंज करने वाले हैं, सबसे पहले कलर चेंज करने वाले। देखिए पर्पल कलर में आ गया, कोलोन देना है, और उसके बाद कौन सी कलर में आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि मैं रेड कलर में चेंज करना चाहता हूँ, मैंने रेड लिख दिया,
और आखिर में सेमी कोलोन डालना है। इसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग टाइप के हैं, ये जो स्टाइल जिस तरह लिखा जाता है, कैसे लिख सकते हैं आप, ये मैं और किसी वीडियो में सिखाऊंगा जो मेरा CSS वीडियो होगा। तो CSS का जब मैं सिखाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा जो किस तरह ये सब स्टाइल एट्रीब्यूट्स लिखा जाता है। फिर भी अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव कर दिया और वेब ब्राउज़र में चलता हूँ। चलिए वेब ब्राउज़र में, तो ये वेब ब्राउज़र है, देखिए मेरा फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये अभी भी ब्लैक कलर में दिख रहा है क्योंकि अभी इसको मैंने रिफ्रेश नहीं किया। तो चलिए पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया और पूरे के पूरे जो पैराग्राफ टेक्स्ट का कलर रेड कलर हो गई। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी एक्स्ट्रा अगर हमें इंफॉर्मेशन देनी है कोई भी चीज़ को, कोई भी HTML एलिमेंट्स को या डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी है, तो हमें एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हम लोग इमेज साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और भी बहुत तरह का काम हम लोग कर सकते हैं। आखिर में मैं छोटा सा एक टैग है जिसको हम लोग क्यू टैग बोलते हैं, कोटेशन टैग बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम लोग कोई भी टेक्स्ट अगर कोटेशन के अंदर लिखना चाहते हैं, कोई अगर कोट किया है तो उसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, तो उसके लिए एक टैग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू टैग। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ तक इसको मैं कोटेशन के अंदर रखना चाहता हूँ, तो सीधे सीधे यहाँ पर कोटेशन लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा, इसीलिए हमें कोट टैग यूज़ करना है। वो कैसे कोटेशन टैग लिखेंगे, तो इसके आगे पीछे क्यू लिख देंगे। तो चलिए नोटपैड प्लस प्लस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने यहाँ तक के बारे में बताया था, ठीक है, तो इसके आगे पीछे क्यू टैग लिख देंगे। तो आपको पता ही है कैसे स्टार्ट टैग लिखनी है, तो ये हो गया हमारा स्टार्ट टैग क्यू, और आखिर में हमें एंड टैग लिखनी है, तो यहाँ पर हमने एंड टैग लिख देंगे। आपको पता ही है एंड टैग कैसे लिखा जाता है, ये हो गया क्योंकि इन टैग। अब इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया, आप वेब ब्राउज़र में चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो देखिए फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं ये जो कंटेंट मैंने यहाँ से यहाँ सिलेक्ट किया, इसके आगे पीछे कोटेशन आ गया। तो इसी तरह कोई भी सेंटेंस को कोट करने के लिए, तो कोटेशन के अंदर आप किस तरह लिखेंगे, इस तरह आप क्यू टैग यूज़ करके कोटेशन के अंदर आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं।